हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन मूल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक आइडिया लेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। सेकंड नंबर पे हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम लोग निकालना सीखेंगे। एंड लास्ट में हमेशा की तरह मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से बड़े नंबर 6 डिजिट तक के नंबर का आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे। इसके पहले अपन ने स्क्वायर रूट सीखा हुआ है, वर्गमूल जिसको हिंदी में बोलते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो ये आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। डेफिनेशन देखूँ तो मेरे पास यदि कोई नंबर दिया रहा है 64, यदि मैं एक ऐसा नंबर फाइंड कर पाऊँ कि जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके वो नंबर प्राप्त कर सकूँ, तो वही मेरा क्यूब रूट होता है। तो एक एग्जांपल में जैसे किसी ने दिया मुझे एग्जाम में कि मेरा 64 का क्यूब रूट निकालिए, यदि मैं वो नंबर फाइंड कर पाऊँ जिस नंबर को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल इसमें 4 4 × 4 × 4, तो मेरा क्या मिलेगा 64। तो जो मेरा 4 रहेगा वो 64 का क्यूब रूट रहेगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन हुई क्यूब रूट। तो आपने देखिए जो एक एग्जाम्पल में देखा हुआ था कि एक क्यूब रहता है उसका आयतन क्या रहता है मेरा, यदि इसको लेंथ मालूम, इसको हाइट, इसका बिट्स, क्या होता है ए का क्यूब, मतलब 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करूं लेंथ को 4 × 4 × 4, तो मेरा क्या आएगा 64। ये क्या मेरा आएगा उसका वॉल्यूम आयतन। तो मेरा जो एक नंबर मिलेगा इसका वो मेरा उसका क्यूब रूट कहलाएगा। तो अपन ने एक इनवर्स ऑपरेशन समझा हुआ था, क्या होता है इनवर्स ऑपरेशन, प्लस का क्या होता है माइनस, डिवीजन का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है वो समझ लेते हैं। यदि मेरा एक 20 नंबर दिया तो मैं इसमें यदि 5 ऐड करके 25 ला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 20 अगेन रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 5 करना पड़ेगा, तो मेरा अगेन 20 मिल जाएगा। ऐसे डिवीजन में यदि मैं 20 से 4 को डिवाइड करूँगा तो मेरा 5 मिलेगा। यदि मुझे फिर से 20 लाना है तो मुझे क्या 4 × 5 करना पड़ेगा, तो मेरे को 20 मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं इनवर्स ऑपरेशन। तो अपन ने इसके पहले क्यूब सीखा हुआ है, राइट। तो जो क्यूब रहता है वो काय का इनवर्स ऑपरेशन रहता है क्यूब रूट का। तो यहाँ पे जैसे मुझे 64 दिया है, यहाँ पे मेरा 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 टाइम करूंगा 64 मिल जाएगा, इसको इसका एक नंबर लूंगा तो मेरे को 4 मिल जाएगा, तो इसका इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है। ये अपन समझते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकालते हैं, फिर ट्रिक पे चलेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला है कि मेरे को 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का सेम है जैसे स्क्वायर रूट में लिखता था 27, बस आपका क्या यहाँ पे आपका नंबर लिखा रहेगा 3। यदि बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 लिखा मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो वही ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सबसे पहले अपन फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 27 के फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 9 जा 27, अभी 9 किससे होगा 3 से, 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। तो जो क्यूब रहता है वो क्या है 3 नंबर का एक ग्रुपिंग है। जैसे स्क्वायर में अपन ने देखा था 2 2 की ग्रुपिंग थी, इसे क्यूब में 3 3 की, तो मतलब जो 3 नंबर आए 3 टाइम आए तो उनका मुझे 1 टाइम लिखना है। मेरा जो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। 27 का मेरा जो क्यूब रूट आया इसका क्या आ गया मेरा 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, अपन लेते हैं 64 ले लेते हैं, 64 का मुझे क्या निकालना है क्यूब रूट, तो कैसा लिखा रहेगा इस तरह से, ठीक है। क्या करना है अपने को, फ्रैक्शन निकाल लेने हैं, कैसे निकलेंगे 64 इवन नंबर है, मतलब सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, क्या होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2 2 6 जा 12 8 जा 16, 2 4 जा, अपन ने सीखा हुआ है फ्रैक्शन वाले वीडियो में, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अपने पास क्या मिल गया है 2, कितने टाइम 6 टाइम। अपन ने क्या सीखा है कि 3 की ग्रुपिंग को 1 नंबर लिखते हैं, मतलब जो मैंने 3 बनाए हैं क्यूब की बात कर रहा हूँ 3 की, तो मेरा क्या हो जाएगा ये 2, इसका एक एक ग्रुप 3 3, 2 × 2 × 2 3 टाइम आया, मतलब इसका 1 टाइम, तो 2 2 जा, ठीक है,
क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या हो गया 64 का क्या आ गया 4 इसका रूट। एक और सीख लेते हैं वेरी क्विक, अपन सीख लेते हैं अभी थर्ड नंबर 125 का, इस तरह से लिखा आएगा। तो कैसे निकालना है, वही इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 125 5 है मतलब डायरेक्टली ये 5 से डिवाइड होगा, 5 टू जा 10, देन अगेन 25 5 है मतलब 5 से होगा, 5 ये देखिए तीन का ग्रुपिंग है 5 5 5, क्या हो गया मेरा 5 × 5 × 5, तो इसका क्या है, मैं की बात कर रहा हूँ मतलब 3 का ग्रुपिंग है एक मतलब 5, तो 125 का क्या हो गया 5। अभी अपन सीखते हैं ट्रिक। अभी देखिए ये देखिए अभी ट्रिक एकदम आसान है, आपसे 6 नंबर तक के कोई भी डिजिट का नंबर रहेगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 1 से 10 तक जो अपन ने क्यूब निकाले हैं, तो इनका क्यूब क्या होता है 1 का 1, 2 का 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एंड इनका लास्ट डिजिट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, अपन इसको यूज करने वाले हैं। तो लास्ट डिजिट मतलब जो नंबर आएगा मेरा क्यूब उसका लास्ट डिजिट, 1 का क्या है मेरा 1 का सेम रहेगा 1 रहेगा, 2 का 8 क्योंकि एक ही नंबर है, 3 का 7 लास्ट डिजिट, 27 में से लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। ऐसे 4 का लास्ट डिजिट क्या होगा 4, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो मेरे 1 से लेकर 10 तक आएंगे तो मेरा 1 का जिनका सेम रहेगा 1 का 1 रहेगा 4 5 6, इनका देख लीजिए 4 5 6 का लास्ट डिजिट सेम है 4 5 6। ऐसे ही 9 एंड 0 का, 9 का भी 9 है 10 का भी 0 है, सिर्फ क्या होगा 2 एंड 3 आएगा उसका 7 एंड 8 के साथ फ्लिप हो जाएगा। यदि 2 एंड 3 को ऊपर से नीचे की ओर आए या नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे आए तो वो फ्लिप होता है। 2 का क्या होता है मेरा 8, 3 का 7, 2 का 8, 3 का 7। तो ये सिर्फ आपको याद रख लेना है कि जो मेरे 1 4 5 6 9 0 इनका सेम रहता है एंड 2 एंड 3 का फ्लिप होता है। अभी देखिए अपन ने जो अभी निकाले हैं 10 तक, यदि वो आसानी से कोई भी दिया रहेगा कि अभी कोई एक नंबर दिया कि 343 का क्यूब रूट क्या होगा, तो मुझे मालूम है क्या है यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 काय का अपोजिट है मतलब 7, तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया मेरा 7 क्योंकि ये 3 डिजिट तक की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे कोई सा भी नंबर मेरा आ गया 729, मतलब मेरा 9 सेम रहता है, मतलब रूट क्या हो गया 9 हो गया। जो निकाला था अपन ने 27 का, यहाँ पे क्या है 7, 7 काय का अपोजिट है 3 का, 3 एकदम आसान था। अभी एक बड़ा नंबर लेते हैं और उसको समझते हैं कि उसको कैसे निकालेंगे, तो एक बड़ा नंबर लिख लेते हैं। अपन ये सब बात कर रहे हैं ये परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, मतलब अपना नंबर परफेक्ट अपने को मालूम है कि मेरे को पूरा नंबर मिलने ही वाला है। तो एक नंबर ले लेते हैं 4 8 7 2, पहले 5 डिजिट का लेते हैं फिर 6 डिजिट का लेंगे। तो इसकी क्या बात कर रहा है कि इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए आपके पास ये नंबर है लास्ट डिजिट यहाँ तक, तो इसकी 3 3 की ग्रुप बना लीजिए, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये वाले 3 को एक ग्रुप एंड रिमेनिंग वाले को एक ग्रुप में डाल दीजिए। तो ये जो 3 नंबर है इनका क्या आएगा हमेशा, इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या है लास्ट डिजिट 2 है, मतलब 2 क्या है 2 एंड 3 यहाँ पे अपन देखा हुआ था, तो 2 का क्या था 8, मतलब इसका यदि मेरा क्यूब रूट निकलेगा तो ये जो नंबर है इसका हमेशा 8 लास्ट में आएगा ही। आगे क्या नंबर आएगा वो अपन निकालते हैं, ये तो हमेशा 8 ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 2 आया है। कहीं यहाँ पे 1 होता तो मतलब यहाँ पे 1 होता, यदि यहाँ पे 4 लिखा रहता यहाँ पे तो ये लास्ट डिजिट मेरा 4 होता। तो ये लास्ट डिजिट का मैजिक है देखिए। ओके अभी अपने को नया ए वाला नंबर निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए अपना क्या बचा है 54, अभी यहाँ पे देखिए 54 किसके यहाँ बीच में आ रहा है, देखिए कहाँ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 27 एंड 64 के बीच में, 27 एंड 64 के बीचों बीच है 54, मतलब यदि मैं ज़्यादा लूँगा तो ये तो आगे निकल जाएगा, तो मुझे क्या हमेशा इससे छोटा वाला जो नंबर रहेगा उसका जो नंबर है वो यहाँ पे मेरा है। तो यहाँ पे क्या है मेरा 3, क्योंकि मेरा 27 जो है क्यूब उसका क्या है क्यूब रूट 3, तो जो नंबर मिल गया 3। 4 क्यों नहीं मिला, क्योंकि 4 लेता तो मैं ये ज्यादा हो जाता, 64 56 से बड़ा है, मतलब जो नंबर है उससे छोटा लेना है। तो इसका आंसर क्या मिल गया मुझे 38, यदि मैं 38 को
थ्री टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। वैलिडेट कर लेते हैं अपन, 38 इंटू 38 इंटू 38 इक्वल टू क्या मिलना चाहिए मुझे, ये जो ऊपर नंबर लिखा वो मिलना चाहिए 54872। एकदम आसान था। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं तो और क्लियर होगा। यही सेम टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी एक कोई, चलिए कोई एक नया नंबर ले लेते हैं, थोड़ा अभी 6 डिजिट का लेते हैं। तो मैं एक नंबर लेता हूँ 175616। इसका मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट। या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा या इस तरह से लिखा रहेगा। क्या मेथड सी सेम, राइट टू लेफ्ट की ओर आना है, 3-3 की ग्रुपिंग बनाना है। ये 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, जो रिमेनिंग नंबर बचे उनका एक ग्रुप। अभी लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है, 6 है। एंड 6 किसका आता है, 6 का ही आता है, अपन ने देखा हुआ। ये देखिए 6 का 6 आता है। तो मेरा जो एक नंबर है, ये 2 नंबर मिलने वाले या 3 नंबर, जो लास्ट नंबर है वो मेरे को 6 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर 6 है। मतलब जो मेरा क्यूब रूट मिलेगा ये नंबर, तो मुझे 6 मिलेगा। अभी मुझे निकालना है ये वाला नंबर क्या होगा। तो क्या मेथड थी, वो नंबर देख लेंगे। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, 175। इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 175, क्योंकि मैं 6 लूंगा तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, उससे छोटा वाला नंबर लेना है। तो किसका है, जो 5 5 का है, वो 125 5 का। मतलब जो नंबर इसके बीच में आ रहा है उससे छोटा वाला जो लेना है वो नंबर लेना है। क्या हो जाएगा मेरा 5 56। एकदम आसान था राइट। तो अभी इसको मैं वैलिडेट कर लेते हैं, क्या होगा 56 इंटू 56 इंटू 56 क्या हो जाएगा मेरा, ये देखिए मैच हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कोई एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को क्यूब रूट निकालना है 103823 इसका। अभी कैसे निकालेंगे देखिए, अभी क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है। सबसे पहले 3 नंबर का एक ग्रुपिंग एंड रिमेनिंग नंबर का एक ग्रुपिंग। इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है मेरा, 3 3 काय का आता है, याद है आपको, ये 2 3 7 8। 2 का अपोजिट क्या था, 7। मतलब ये 7 का आएगा, जो हमेशा है ये जो 3 डिजिट का नंबर आया है 3, ये काय का आएगा 7 का। तो एक नंबर मुझे मिल गया 7। अभी जो दूसरा नंबर है वो मुझे सर्च करना है। क्या मेथड है, उसके आगे वाले जो रिमेनिंग नंबर बचे हैं 103 को मैं देख लूंगा ये किसके बीच में आते हैं, किसके बीच में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं 4 एंड 5 के बीच में। तो मतलब मेरा जो छोटा वाला नंबर है उसको उठा लूंगा। क्या हो गया मेरा 47। ये देखिए ये जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो अब देखिए विद इन कुछ सेकंड के अंदर आप बता देंगे, 2 डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट में आया 3 डिजिट तक, तो फिर तो आप तो देख के ही बता सकते हैं। लेकिन 2 या 6 या 5 डिजिट का आया तो आपको इमीडिएटली देख के लास्ट नंबर मिल जाएगा एंड सेकेंड नंबर मिल जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, अभी एक और ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं अपन, 7 डिजिट का लेते हैं। लिख लेते हैं 7 डिजिट का, जिसका मेरे को क्यूब रूट निकालना रहा है। क्या नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 103 0301। ये देखिए 7 डिजिट का। क्या मेथड है, सेम राइट टू लेफ्ट, क्या करना है मुझे, 3 नंबर का एक ग्रुप बनाना है, रिमेनिंग नंबर का एक ग्रुप बनाना है। यहाँ पे देखिए क्या आया है लास्ट में, 1 आया है। मतलब मेरा एक नंबर है 1 रहेगा, रिमेनिंग नंबर मुझे फाइंड करने हैं। तो ऑब्वियसली एक मिल गया है, अभी रिमेनिंग नंबर फाइंड करने हैं। तो क्या है, अभी देखिए मेरे पास क्या आया है, 1030। ये देखिए ये क्या है, इससे भी बड़ा है, 10 है। लेकिन आप देखिए 1000 से 1030 थोड़ा ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्यूब रूट यदि मैं 11 का या 12 का निकालूंगा तो इससे क्रॉस कर जाएगा। तो मेरा ये क्या है, इससे ये क्या है, 10 एंड 11 के बीच में आ रहा है। ये जो नंबर है मेरा 10 एंड 11 के बीच में आएगा। तो मेरे क्या छोटा वाला जो नंबर है उसको लेना है। मतलब मुझे क्या मिल गया इसका, इसका मिल गया मुझे 10 एंड इसका मुझे मालूम ही था 1। तो क्या हो गया मेरा, जो क्यूब रूट इसका जो मिला है क्या मिल गया मुझे, 101। सही है कि नहीं, एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। मतलब
वैलिडेट कैसे करूंगा मैं? वैलिडेट करने के लिए मैं इसको यदि 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यही सेम नंबर मिलना चाहिए। क्या है? 101 इंटू 101 इंटू 101 इक्वल टू, ये देखिए 1030301, मतलब मेरा मैच हो रहा है। तो ये कोई भी 6 डिजिट तक के नंबर के लिए एकदम आसानी से कर पाएंगे। 7 डिजिट का रहेगा तो हो सकता है आपको यहाँ पे 11 या 12 का भी आपको एक क्यूब मालूम होना चाहिए, तो वो निकाल सकते हैं। वो अपन ने क्यूब में वाले वीडियो में सीखा हुआ है कैसे क्यूब निकालते हैं। तो एकदम आसान था, एकदम आसान ट्रिक है, एग्जाम में आए तो अब विदिन कुछ सेकंड के अंदर आप निकाल के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक सीखी लास्ट वाली एकदम आसान थी, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा तो विदिन आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर बता सकते हैं कि क्या मेरा क्यूब रूट आ रहा है किसी भी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे अपन वीडियो क्लोज करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।